उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं जिसमें जो खुदावन कहता है कि हो सकता है तुम्हें जन्माने वाले तुम्हारे माता पिता शायद तुम्हें भूल जाए और त्याग दे, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे जन्म से ही जिसने अपना हाथ तुम पर रखा है वो तुम्हें ना ही कभी भूलेगा और ना ही कभी त्यागेगा। हालेलुया। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी बात जो ये मैं इसे एक तोहफा भी समझूंगा और इसे मैं परमेश्वर की तरफ से दी गई एक देन भी कहूंगा कि खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी को लाए, लेकर के आए किस जरिए से किस तरीके से, क्योंकि वो भी एक लंबी कहानी है। लेकिन मैं उस ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर हर एक कामों को सही समय पर करता है। मैं उस खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि जब हम मसीह में आए थे तो कई बार लोगों के मुंह से, कई बार रिश्तेदारों के मुंह से, कई बार अन्य जातियों के मुंह से हमें सुनने में आया कि आपने तो धर्म बदल, वंश है वो कैसे आप कंटिन्यू करोगे, किस तरीके से उनकी शादी होगी, कैसे क्या होगा। लेकिन मैं अपनी मम्मी के विश्वास की मैं तारीफ करता हूँ। मेरी मम्मी हमेशा उनको ये बात कहती थी कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, तो उन्होंने कभी भी इस बात की कभी चिंता की ही नहीं। एक इंसान होता ना जो जैसे परमेश्वर का कलाम कहता ना कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझ पर दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, उसी तरह मेरी माँ का विश्वास भी ऐसा ही था। उन्होंने अपनी लाइफ की सारी टेंशन, सारी परेशानियाँ, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सारी बातों को उन्होंने परमेश्वर पर छोड़कर सिर्फ खुदा के कामों को करने में अपना ध्यान लगाया। उन्होंने इन बातों को नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से चीज़ों को करेंगे, जो भी है। लेकिन यही वो विश्वास था जिसने आगे चल करके मुझे परमेश्वर ने मुझे मेरी पत्नी से मिलाया, जिस तरीके से, जिस जरिए से, मैं उस खुदावन का शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर ने उनसे मिलाया। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा जीवन साथी दिया जो मेरे साथ मेरे दुख में, मेरे सुख में, मेरी परेशानियों में, मेरी तकलीफों में, मेरी गलतियों में, हर एक हालातों में जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा, जिसने कभी भी मुझे छोड़कर जाने के लिए नहीं बोला, जिसने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई, मतलब कि मेरे खिलाफ कोई ऐसी बातें नहीं की। उन्होंने जिस तरह से उनके वर्डिंग थे उसी हिसाब से उन्होंने अपनी लाइफ में करके भी दिखाया कि आप मुझे जैसे रखोगे मैं वैसे रहूंगी, जो खिलाओगे वही खाऊंगी। लेकिन मेरी वाइफ का जो वर्डिंग है वो ये है कि वो ब्लेस है और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक पास्टर से मेरी मैरिज करवाई। हालेलुया। मेरी वाइफ की वर्डिंग हमेशा ये रहती है और वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि हमको खुदा में आए थे, हम परमेश्वर में आए थे, हम भी ये सोचते थे कि आगे चल करके मेरा परिवार सब सोचते थे कि किस तरीके से क्या होगा, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो जीवन साथी चुना वो एक पास्टर, एक प्रभु का दास, जो कि सेवकाई करने वाला, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला एक ऐसे व्यक्ति को चुना। हालेलुया। तो मैं भी उस खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जीवन साथी दिया और जो मेरे साथ साथ हमेशा हर वक्त हर पल खड़ा रहा, मेरे दुख में, सुख में, मेरी तकलीफों में, और कभी भी मेरे खिलाफ कोई ऐसी बातें नहीं बोली या मुझे कभी दुख पहुँचाने की या चोट पहुँचाने की कभी कोशिश नहीं की। हमेशा मेरे दुख में मेरे साथ खड़ी रही और हमेशा हर पल उसकी कोशिश यही रही कि हम किस तरीके से हम आगे बढ़े। और अब जब से हम परमेश्वर के साथ विश्वास और ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहे हैं, सचमुच में खुदावन ने अपनी अद्भुत बरकतों से, अपनी आशीषों से भरा है और इन बातों को मेरी वाइफ ने भी फील किया अपनी लाइफ में। और अब वो भी मेरी माँ की तरह ही, अब उसे भी किसी बात की चिंता नहीं है क्योंकि उसका भी विश्वास और मेरा भी विश्वास हमारे माँ की तरह ही उस परमेश्वर पे है कि आगे के बारे में हमें नहीं सोचना है, हमें सोचना है खुदा के काम के बारे में, हमें सोचना है परमेश्वर के काम के बारे में, हमें कैसे परमेश्वर के राज्य को दुनिया की छोर तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारा जो जीवन का जो क्या कहते हैं, हमारी जो शुरुआत है वो बाइबल का वचन है, हमारा जो अंत है वो बाइबल का वचन है,
बाइबल का वचन है तो हमारे पास रोजगार है, खुदा का कलाम है तो हमारे पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए छत है। हालेलुया। तो सब कुछ जुड़कर हमें एक चीज से जोड़ती है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का कलाम। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उस खुदावंद का कि आज भी हम जब अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की अगुवाई में और खुदा के लोगों में, परमेश्वर के लोगों में हो करके हम उन बातों को कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मान की बात है। जबकि हम अन्य लोगों को देखें तो वो अपनी एनिवर्सरी कहीं मूवी देखने, कहीं टीवी देखने या किसी तरह की अन्य अन्य घूमने फिरने वाली चीज़ों में वो करते हैं, वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात यह है कि हम अपनी एनिवर्सरी या अपनी शादी की सालगिरह जो है वो हम परमेश्वर की अगुवाई में बिता रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही मान की बात है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज शायद मेरा मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए मान की बात है कि आप सब लोग, मेरे माता पिता, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ आज आप मेरे लिए उनकी तरह हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज, चलो शायद हमारे सर पर माँ बाप का साया नहीं है, लेकिन आप लोगों और आप ही हमारा परिवार और आप ही के साथ हमें खुशी खुशी रहना और अपने जीवन को जीने में, इसमें हमें मान महसूस होता है, इसमें हमें एक गर्व महसूस होता है कि मेरा जो चर्च है, मेरी जो कलीसिया है, उनकी सोच भी मेरी तरह है, उनका बोलना भी मेरी तरह है और वो हर एक कामों में आगे रहते हैं, चाहे वो बच्चे क्यों ना हो, चाहे वो बड़े क्यों ना हो, चाहे बुजुर्ग क्यों ना हो, और किसी में किसी तरह का कोई बैर भाव या ऊंच नीच या किसी तरह का भेदभाव नहीं, सब प्यार से रहने वाले, सब अच्छे से रहने वाले और सब एक दूसरे की केयर करने वाले लोग हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे बीच में हमारे आत्मिक पिता पास्टर संतोष जी भी मौजूद हैं, जो हमारे इस सुंदर मौके में हमारे साथ मौजूद है, हमारी शादी के सालगिरह में, जिन्होंने हमारे मैरिज के टाइम में भी पास्टर संतोष जी मौजूद थे और उनके उन्होंने हमेशा हमारे लिए, हमारे भलाई के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे एक अच्छे भविष्य के लिए हमेशा से उन्होंने हमें प्रेयर किया और हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक ऐसे आत्मिक पिता दिया जो हमें चीज़ों को सिखाते हैं, जो हमें आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। मैं आगे का समय हमारे पास्टर जी को देना चाहूँगा, पास्टर संतोष जी को जोरदार ताली प्रसाद। और पास्टर सुरेश, उनकी वाइफ की ज़िंदगी में आज ये 3 साल हो गए ना, 3 साल है, 3rd साल, और प्रभु ने इन्हें संभाल के रखा। और ये खास दिन सभी के, जिनकी शादी हुई है, सभी के दिन आता है। और मैं ही सोच रहा था कि जब लोगों की शादी के दिन आते हैं, एनिवर्सरी आती, तो सचमुच कोई कहता घूमने जाना है, कोई पिक्चर देखने जाना है ना, तो ऐसा क्या करते हैं, वो प्लान्स करते हैं। हम शायद, हम भी कभी ऐसा कभी नहीं किए, हमने, हम भी कभी गए नहीं, घर में ही हम प्रेयर करते थे, दुआ करते थे और जो कुछ हम लाते थे खा लेते थे। पर अब बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं और वो दुनिया की बातें देखते हैं और सीखते हैं, फिर वो कहते हैं हमने उधर जाना, हमने उधर जाना है ना। तो जब हम परमेश्वर में आशीषित होना है तो हमारा ज़्यादा समय जब हम परमेश्वर को देते हैं तो फिर हमें परमेश्वर भी मौका देता है घूमने फिरने के लिए। हालेलुया। क्योंकि सारी शुरुआत हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही होना चाहिए। जब मैं अभी बता रहे थे तो मुझे याद आया कि जब एक्सीडेंट हुआ था और जब ये वेंटिलेटर में थे तो मुझे फ़ोन आया और फोटो आई थी, तो मैं पूरा डरा और बहुत ही मतलब व्याकुल हो गया कि ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसा हो गया। और मैसेज दिया, जो रिटायर बहन भी थे उन्होंने फ़ोन किया कि भैया प्रेयर करना, ऐसी ऐसी बात हो गई। और हम सारी रात, मुझे नींद ही नहीं आई और मैं प्रेयर ही भी सारी रात क्या कर दिया, बिता दिया, क्योंकि जब बोला कि वो बेहोश है, होश में नहीं है। और मैं रोता रहा रात भर और मैं प्रेयर भी करता रहा कि मतलब कैसे हो गया, क्या होगा आगे, और हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस सब चीज़ों में, प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं, क्यों जल्द से जल्द क्या हो जाए, होश में आ जाए। जब पता लगे कि कितनी हड्डियाँ टूट गई, फ्रैक्चर मुंह में, सब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए घबराहट की थी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में देखता हूँ जब ऐसे केस होते हैं तो महीनों वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, कितने महीने तक रहते हैं। और
कई की तो बचने की आस भी नहीं होती। तो अब बड़े बोझ के साथ हमने प्रार्थना किया, जब हमें पता लगा सुबह कि वो होश में आ गया, तब तो हमें बहुत शांति मिले कि चलो अब होश में आ गया और जल्द से जल्द वो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हमारी प्रेयर होती है जब हमारी अच्छाइयाँ होती हैं, जब हम संसार की बातों में ना ध्यान दे के हम परमेश्वर की तरफ ध्यान देते, तब कई बार वह हमारी प्रार्थनाएँ, हमारी अच्छाइयाँ हमारे काम आती हैं। हालेलुया। तो आज भी हम आज वचन से हम लोग पढ़ेंगे, हमारे खास तैयारी नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सी हम जरूर बताएंगे कि परमेश्वर हमें कैसे आशीष देते हैं, किस चीज़ से। भजन संहिता और उसका हम लोग 125 निकालेंगे। और वहीं पे हम लोग देखेंगे दो आयतों में जो परमेश्वर ने हमें परिवार के रूप में कैसे वो कैसे बढ़ाते हैं। लोग घर बनाते हैं, है ना, घर बनाना मतलब शादी करते हैं तो घर ही बनाने का मतलब हुआ, ठीक है ना। शादी होती तभी तो घर बसता है, ऐसे तो बसेगा नहीं, अकेला ही रह जाएगा, है ना। बाइबल में तो लिखा है कि अकेला रहना ठीक नहीं है, इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया था, हवा को बनाया और आदम के साथ उसे क्या कर दिया, अदन के वाटिका में रखा और दोनों को बहुत ही क्या किया, आशीष और बरकत दिया और कहा फलों और फूलों और पूरे पृथ्वी पे भर जाओ। हालेलुया। आज भी जब जोड़े बनते हैं, परमेश्वर उन्हें जोड़ता है और उन्हें उस दिन बहुत ही पिता पुत्र पवित्र आत्मा के में क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं। और जब पति पत्नी विश्वास योग्य होके एक दूसरे पे ईमान लाके और बीच में कोई दरार नहीं होती है, कोई शक वाली बात नहीं होती है, तो क्या वो फैमिली क्या होती है, आगे धीरे धीरे बढ़ती रहती है। ऐसे नहीं कि कई बार शैतान हमें आजमाइशों में डालता है और गलत रास्ते पे ले चलता है, ऐसी बात नहीं। बहुत से लोग गिर भी गए, हम बाइबल में भी देखते हैं बहुत से लोग क्या हो गए, गिर गए, फिर भी जब हम विश्वास करते हैं प्रभु पे, तो कहते हैं कि धर्मी जाए साथ पर गिरे तो प्रभु ने क्या कर देता है, खड़ा कर देता है। तो वैसे ही बहुत से ऐसे लोग गिर जाते हैं, जब पछतावा करते हैं तो प्रभु ने क्या करता है, दोबारा खड़ा कर देता है। 127 हम निकालेंगे, वहाँ लिखा है यदि घर को यहवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। जब हमारी शादी हो जाती है, है ना, फिर हम नौकरी ढूंढते हैं पैसे चाहिए, है ना, पत्नी को खुश करने के लिए। बाइबल में लिखा है एक जगह में, हम रात में हम प्रेयर मीटिंग कर रहे थे, तिमोथी उसकी पुत्री में पढ़ रहे थे कि जो कुंवारे होते हैं ना, जो अविवाहिता तो कुंवारे जो होते हैं, वो प्रभु को प्रसन्न करने में अपना जीवन व्यतीत करते हैं ज़्यादातर, जब कुंवारे, क्योंकि उनके पास तो टेंशन होती नहीं है, है ना। पर जो विवाहिता होते हैं, जो शादी हो जाती है, तो पति पत्नी, पति जो होते हैं ना पत्नी को खुश करने के लिए काम करती है, और पत्नी जो होती है पति को खुश करने के लिए, कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं और मैं अपने पति को खुश कैसे करूं, ऐसे क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं। फिर भी ऐसे ज़िंदगी में होती है कि दोनों ही खुश नहीं रहते, है ना, है ना, वो एक दूसरे का क्या करते हैं, कंप्लेन निकाल दे, तूने मेरे लिए ऐसा किया, तूने मेरे लिए ऐसे नहीं किया, मैंने तेरे लिए ऐसे किया, तूने मेरे लिए ऐसे नहीं किया, तो ऐसे क्या होते हैं, कंप्लेन से एक दूसरे के निकालते रहे। जैसे कंप्लेन निकालेंगे तो फिर कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकती। हर बातों में क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, है ना। तो लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। शादी होती है, ब्याह हो जाते हैं, ब्याह होता है, घर बनता है, उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं ना, पैसे आते हैं और उनकी ज़िंदगी में क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर बच्चे भी होते हैं, पर हमारी प्लानिंग के अनुसार नहीं। जब हमारे बिचवाई परमेश्वर होता है, हमारे साथ होता है, तो जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु उनमें क्या करता है, आशीषित करता है। और आशीषित होने के लिए सबसे पहले हस्बैंड वाइफ का परमेश्वर का भय मानना उनकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखता है। जब परमेश्वर से हम डरते हैं, भय खाते हैं, तो हमारा कदम कभी भी भटकता नहीं है, सिर्फ एक सही रास्ते पर चलता है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति क्या रहते हैं, विश्वास योग्य, है ना। अब देखो परमेश्वर ने हमें विश्वास करके ही तो यहाँ पे हमें काम दिया है, ओके। परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया और क्या किया, हमें ये काम दिया कि ये मेरे विश्वास योग्य लोग हैं जो मेरे वचन को आगे को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, मेरे वचन पे सही तरीके से चलेंगे, मेरे पिता की महिमा होगी, विश्वास करके दिया ना। अगर हम उनके विश्वास को तोड़ते हैं तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं ना। तो खुश कौन होगा, शैतान खुश होगा, क्यों,
क्योंकि परमेश्वर ने इन पे विश्वास से काम कर दिया और ये क्या करते हैं उसके परमेश्वर के विश्वास को तोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने भी इनका विश्वास उस समय तोड़ा था अधन में जब परमेश्वर इनको काम दिया था उनको। तो देखेंगे कि उसी प्रकार पति और पत्नी का एक दूसरे पर विश्वास होना बहुत ही जरूरत है। जहाँ पर भी शक अगर आ गया तो वह शक क्या कर देता है, दीवार खड़ा कर देती है। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आनी चाहिए। हम एक दूसरे पर भरोसा करना है, ईमानदारी से आगे बढ़ना। कई लोग होते हैं ना कि कानाफूसी करते, इधर की बातें इधर लगाते, उधर की बातें इधर लगे और घरों को क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं और कुछ भी नहीं होता। क्यों? कई बार होता है छोटी सी अंडरस्टैंडिंग से कोई भी बात आ जाती है और हम उस पर क्या करते हैं, बखेड़ा कर देते हैं। पर जब परमेश्वर का भय होता है, हम वचन से पढ़ते हैं, उस पर हम मनन करते हैं कि हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ना चाहिए, नहीं हमने किसी और की बात पे विश्वास से नहीं करना, हमने अपनी अपनी बातों पे क्या करना है, हमने ध्यान देना, आगे बढ़ना। लिखा है 128 में, क्या ही धन्य वह जो वह कब है मानता है और उसके मार्गों पे चलता है। ये है फैमिली के लिए जो वचन लिखा ना 128 भजन से था, 128 परिवार के लिए, सभी के परिवार की, सभी के लिए। तो ये बहुत खास वचन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। काहे धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पे चलता है। पहली बात आ रही है, तू अपनी कमाई को निश्चय, हम कमा के लाते हैं और कई बार हमारी कमाई बीमारियों में चली जाती है, चोरी में चली जाती है, गुम हो जाते हैं, मोबाइल्स गुम हो जाते हैं, पर्स गायब हो जाते हैं, घर में से चीज़ें गायब हो जाती हैं, पता ही नहीं लगता वो गई कहाँ, अरे कोई आया भी नहीं था, गाया कहाँ, चला कैसे चला गया, है ना। तो हमारी कमाई क्या हो जाती है, उड़ जाती है। कहते हैं हमारे थैले में कोई छेद होता है, वो कहाँ निकलता है पैसा पता ही नहीं लग रहा। ओके, होता ना कि हम इतना कमा के ला रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, ऐसा कभी सोचा है, ऐसे ध्यान दिया, क्यों होता है ना। तो लिखा है कि तू अपनी कमाई को निश्चय, यदि हम परमेश्वर का भय हमारी ज़िंदगी में है, परिवार में है, हमारे घर में है, तो हमारी कमाई जो है ना, हम निश्चय हम ही खाएंगे और उसे दूसरा कोई खा नहीं सकता, वो बीमारी में नहीं जाएगी, वो हमारे बटुए कभी भी गुम नहीं होंगे, हमारे मोबाइल्स, हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो घर की खराब हैं नहीं होंगे। कई बार ऐसा सुनने में आता, लाइट तेज आई, फ्रिज उड़ गया जी, ले जी नया खर्चा आ गया, ले मोबाइल गिर गया जी, एक नया खर्चा आ गया, है ना। क्यों? हमारे हर एक चीज़ की हमारा परमेश्वर क्या करता है, रक्षा, वो हमारी जान और हमारी माल दोनों की क्या करता है, वो रक्षा करता है। हालेलुया, जब हम उससे प्रेम करते हैं, जब हम उस पर विश्वास से योग बने रहते हैं, तू धन्य होगा और तेरा भलाई होगा। धन्य होगा और उसके साथ क्या होगा, तेरा भलाई होगा। और आगे तीसरे वचन पे लिखा, और खूबसूरत वचन लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी। हालेलुया, कितना महान है कि जब परमेश्वर का हमारे जिंदगी में है तो तेरी स्त्री कैसी होगी, फलवंत दाखलता से, वो वृक्ष होगी, वो पेड़ होगी जिसमें फल हर समय लगे रहे। मतलब फल का मतलब ये नहीं कि बहन जी खड़ी है और उसमें फल लगा, सेब लगा, आम लगा, फ्रूट लगा, ले आज हम एक तोड़ तोड़ के खा ले, है ना। वो हमारे व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारे घर के काम करने का तरीका। जब ये तो मेरे लगता है बहन जी आपने लगाया होगा, हैं, पहले भी जब क्रिसमस में तो मैंने पूछा था किसने लगाया, तो बहन जी ने कहा आइडिया, मैंने कहा यार हमारे यहाँ ऐसे आइडिया नहीं है, वहाँ पे सब कुछ मुझे ही करना पड़ता हुआ है ना। तो और भी बच्चे करते हैं पर उनको बताना पड़ता है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। चिया थोड़ी करती है, वो भी ठीक है ठीक है ठीक है, कर दो, है ना। तो कहते हैं कि हर एक चीज़ स्त्री क्या करती है, आइडिया निकालती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा खूबसूरत लगेगा, ये करना है ना, ऐसे हमने घर को चलाना। ये भी लिखा एक वचन में, नीति वचन में मैं पढ़ा है कि जो बुद्धिमान स्त्री है अपने परिवार को लाल ऊन के क्या करते हैं, कपड़े पहना। जैसे सर्दी काल आती है तो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने घर के बच्चों को क्या करती है, लाल ऊन के कपड़े पहनाती, जिससे उसे सर्दी ना लगे। कहने का मतलब है कि अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में हर समय कवर करती है कि शैतान उन्हें छूने तक ना पाए। हालेलुया, जब हमारे परिवार को, जब हमारी फैमिली को प्रभु यीशु मसीह का लहू कवर रहे, जब हम अपने फैमिली के लोगों को परमेश्वर के भय के बारे में बताएंगे, उनके प्रेम के बारे में बताएंगे,
तो शैतान और शैतान की ताकतें हमें कभी भी छू नहीं सकती, हम आशीषित होंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये लिखा, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलन दाखलता से होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बल बालक जलपाई के पौधे से। हालेलुया, है ना, कितना है खूबसूरत। हस्बैंड वाइफ है और बच्चे छोटे छोटे जलपाई के पैसे से, जैसे जब वो घूमते हैं ना घर में घुटने के बल इधर उधर घूमते हैं, तो माँ बाप को कितना अच्छा लगता है कि बच्चे हमारे अब धीरे धीरे क्या हो गए, घुटने के बल चलने लगे और खड़े हो गए, कितने खूबसूरत लगता है वो घर। हालेलुया, परमेश्वर है ऐसे अपने लोगों को, वो परमेश्वर का जो भय मानता है उसको आशीष देता है, धन और महिमा। लिखा है नम्रता, जो इंसान नम्रता में होता है ना उसे धन भी मिलता और महिमा मिलती है, और हस्बैंड वाइफ की नम्रता ही उन्हें धन भी दिला सकती है और महिमा भी दिला सकती है। यदि आपस में लड़ाई या दंगे फसाद और ये बाहर चीज जाएंगी तो क्या आएगा, बदनामी होगी। क्या आती, बदनामी होती है ना। तो नम्रता, हम एक हस्बैंड वाइफ को क्या करना है, अगर हस्बैंड गुस्सा हो रहा है तो वाइफ को क्या करना है, धीमे हो जाना है ना। अगर वाइफ को जोर से कोई गुस्सा आ गया तो हस्बैंड को क्या करना है, धीमा हो जाना। अगर दोनों ही हो गया है ना तो क्या होगा, बस फिर तो लाठी डंडे बेलन और ही चलेंगे, है ना। तो क्या करना है, संयम धरना, धीरज धरना, उस बात को क्या करना, हमने समझना है, सोचना है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, और जब हमें समझ में आता है कि दूसरे से क्या करना, हमने सॉरी फील करनी है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे बीच में सुरेखा बीच में ऐसे हो गए तो वो हमें फ़ोन करती है कि सॉरी मैंने ऐसे बोला है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। हालेलुया, ये सब होती हैं, ऐसी बात बड़ी बात नहीं है। घर है तो जहाँ पे बर्तन होते हैं तो खड़कते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में भी छोटी बती, पर उससे बढ़कर आगे हमने नहीं जाना। जैसा लिखा है कि तेरा क्रोध सूर्य ढलने से पहले क्या हो जाना चाहिए, ख़त्म। अगर शांत नहीं हुआ क्रोध तो वो फिर दिल में क्या करता है, पाप को उत्पन्न करता है, घृणा को, नफरत को, ये सब चीज़ें क्या करता है, उत्पन्न करता है, और फिर घर में क्या होती, फूट और दरार और क्या कहते हैं हमारे बीच में हाई आने लग जाती है। इसलिए इन सब चीज़ ना आए, पहले हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करना, और फिर ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग प्रभु देगा, हमें आगे बढ़ाएगा। और हम आगे पढ़ेंगे चौथा 128:4 में, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी आशीष पाएगा, यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखते रहे, बुढ़ापे के बाद वरन अपने नाती पोतों को भी देखने। कितने लंबे प्रभु ने आशीष दिए। हालेलुया, जब प्रभु भय में है तो अपने नाती पोतों को भी क्या करें। कई लोग यार कहते रहे हो नाती का पोते का मुंह देख ले फिर दुनिया से निकल जाए, ऐसे होता है ना, लोग सोचते हैं। फिर नाती पोते भी आ जाता है तो सोचते हैं चलो इनकी भी शादी की हो जाए तो देख लेंगे, और ऐसा लोगों ने देखा भी है, बहुतों ने अपने नाती पोतों की शादी को भी देखा है। मेरी जो नानी है ना, मेरी मम्मी अपनी दोती जो लगे ना मेरी बहन की बेटी को भी क्या करिए, शादी को देखा है। हालेलुया, तो ऐसा है कि प्रभु क्या करते हैं, आशीष देते, बरकत देके अपने नाती पोतों को भी देखे, उनकी उनकी शादियों को भी देख पाया। और जब वहाँ पे हमारी बहन की बेटी की शादी हो रही थी तो मेरी मम्मी बैठी थी, तो जब लोगों को बताया गया कि ये इनकी दोती लगती है तो बड़े खुश हो गए पास्टर और सभी लोग, ओ हम इनसे मिलेंगे, इनसे बहुत खुशी की बात है, यहाँ पे नानी बैठी, नानी की नानी बैठी है यहाँ पे। हालेलुया, तो ये है परमेश्वर की आशीष और बरकत, जहाँ परमेश्वर से डरते हैं हमें रुपए पैसे धन दौलत इज्जत शोहरत आगे बढ़ाते, और प्रभु अपनी आत्मा भी हमें क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। और आगे हम एक और पढ़ेंगे परमेश्वर कलाम, इफिसियों के पत्र हम लोग निकालेंगे, और यहाँ पे इफिसियों में बहुत अच्छे पति पत्नियों के बारे में क्या किया है, हमें बाइबिल में समझाया है कि कैसे हमने रहना है। इफिसियों उसका 5 और उससे हम लोग पढ़ेंगे 22 से, यहाँ लिखा है, सुनिए ध्यान से, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, है ना, अधीन अधीन समझ रहे ना। हाँ, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, पति पत्नी का क्या है, सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन
रहे। आजकल जो लोग पत्नी बहुत पढ़ लिख जाती है या अमीर हो जाती है और वो सोचती कि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं तेरे अंडर में क्यों रहूँ, मेरे पास बहुत पैसा है ना, तो वो समझ लो उस घर में प्रेम कभी बना नहीं रह सकता, वो परमेश्वर कलाम के विपरीत चल रही है। पर जब परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलते हैं कि जैसा लिखा है, कहने का मतलब ये नहीं कि पत्नी के पति के अंडर में हो तो आप पति आपको क्या करेगा, प्रेशर में डालेगा, आपको तंग करेगा, नौकर बना करेगा, ऐसी बात नहीं। पर क्या रखा है, सम्मान देना है एक दूसरों को, क्या करना है हमने सम्मान, इज्जत देना है। जैसा कि लिखा है कि जो अब्राहम की पत्नी सारा था, वो अपने अपने अब्राहम को क्या बुलाती थी, स्वामी करके बुलाती थी और उसके अधीनता में रही, और परमेश्वर इसीलिए उससे बहुत ही प्यार करते थे और उन्हें बहुत ही सबको आशीष दिया, और इतना आशीष दिया कि वो जो अब्राहम था कुल पिता बना और सारा क्या बनी, कुल माता बनी, सारी जातियों की माता बनी और सारी जातियों क्या बना, अब्राहम पिता बना। देख लो कितना महान प्रभु जी उन्हें आशीष दिया, क्योंकि कितना था कि 99 साल तक उसके पास बच्चा नहीं रहा, फिर भी उसने कभी उसे तंग नहीं किया और उसके अधीनता में ही रहे, हालेलुया। और वैसे ही अब्राहम ने भी सारा को कभी तंग नहीं किया है ना, उसको बहुत ही प्यार करता था, दोनों एक साथ थे। और परमेश्वर ने एक महान आश्चर्यकर्म किया जो कोई नहीं सोच सकता कि 100 साल में क्या कर दिया, अब्राहम को बाप बना दिया और 99 साल में सारा को क्या कर दिया, माँ बना दिया, हालेलुया। ये महान कार्य है, ये आश्चर्यकर्म कार्य है जो कोई भी नहीं सोच सकता, कोई नहीं कर सकता है और आज तक न कभी किसी ने किया, न कभी कभी किसी कर सकता है। ऐसा परमेश्वर, वैसे जैसे अब्राहम की जिंदगी में परमेश्वर ने किया, वैसे ही इजाक की जिंदगी में भी प्रभु ने किया, उसको भी बुढ़ापे में क्या किया, रिबिका से बिठा दिया, हालेलुया। तो ये चीज जो परमेश्वर करते ना हमारी जिंदगी में, इसलिए आश्चर्यकर्म करते हैं कि लोग जाने, लोग पहचाने कि परमेश्वर जो है चट्टानों में से पानी निकालना जानता है, चट्टान में से पानी निकाला ना प्रभु। हमारे जिंदगी में जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, आशीषित होते हैं, कई बार उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, पर हम जब विश्वास में बने रहते हैं तो सारे मजबूरियों को, सारे परेशानियों को क्या करता है, परमेश्वर हटा डालता है। हमारे विरोध में जितने भी आते हैं उसको क्या करते हैं, रास्ते से प्रभु साफ कर देता है, हालेलुया। वो साफ करते हैं कि ये मेरे बच्चों को, ये मेरे लोग हैं, इन्हें तुम हाथ भी मत लगाओ, हालेलुया। देखो दुष्ट ने भाई को खत्म करने की कोशिश की, पर प्रार्थनाएं इतनी गई, प्रार्थनाएं इतनी गई, एक ही बंदे ने नहीं, सभी ने, जिसको जिसको मिला हम ग्रुप में, सारे के सारे प्रार्थना कर रहे थे, सभी वो प्रार्थनाएं एक सुगंध रूप भेंट बन के प्रभु के सिंहासन पे, और शैतान के सारे बंधनों क्या कर दिया, तोड़ दिया, हालेलुया। यही है हमारे परमेश्वर में विश्वास, परमेश्वर पे, परमेश्वर भय में आगे बढ़ना। तो लिखा है, हम आगे बढ़ेंगे 25, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उस उनके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करा के पवित्र बनाए, और ऐसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु है, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया के लिए पवित्र और निर्दोष लिखा, इसी क्या, इसी प्रकार पति और पत्नी की जिंदगी में भी निर्दोष होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अब वो एक हो गए, ठीक है। अगर लिखा है कि बिछौना तेरा निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर, अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा बिछौना निष्कलंक नहीं है तो इस चीज़ से परमेश्वर क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ओके, क्या करते हैं, घृणा, और जब घृणा करने लग गए तो उनके जिंदगी में प्यार नहीं आ सकता यार। तो ये चीज़ें हैं, तभी प्रभु ने कहा कि दोनों एक साथ मिले रहेंगे, एक दूसरे को प्यार करेंगे, सम्मान देंगे, और जैसे कलीसिया ने प्रभु से प्रेम किया, वैसे पति भी और पत्नी भी एक दूसरे से प्रेम करके आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। तो बस इतना ही, आज ज़्यादा हम बताऊँगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे, तो आज यही है कि हम अपने आपके पास रहे सूरज जी, उनकी पत्नी के लिए हम लोग प्रार्थना करें, ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करें, एक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, है ना। छोटे से बड़ा अच्छा लगता है, वो यूट्यूब में और फेसबुक में देखता हूँ रोज, यहाँ मुझे लगता है रोज़ बैठे रहते हैं ना यहाँ पे, हैं, हाँ, रोज़ शाम को ना,
हाँ तो मैं रोज़ देखता हूँ, मैंने कहा रोज ही बैठे रहते हैं यहाँ पे, रोज़ प्रार्थना करते, कितना अच्छा है। और हमारे यहाँ बोल दो ना रोज आने के लिए, तो बस उनके तो नानी याद आ जाएगी, वो नहीं आ सकते। हालेलुया। तो यहाँ पे आप रोज़ बैठते हो, अपने समय को प्रभु के साथ व्यतीत करते हो, इसलिए प्रभु भी आपकी ज़िंदगी में आशय कर्म करता रहेगा और करेगा। हालेलुया। किसी चीज़ की फिक्र नहीं करे, जब हम प्रभु को अपने आप को देते हैं, उनके हाथ में सौंपते अपने समय को। बहुत से लोग समय है टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, आँख फोड़ी जा रहे हैं, ठीक है, आँख कमज़ोर हो जा रही, बाद में चश्मा लगा के मोटे मोटे देखेंगे, है ना, पहले जवानी में बूढ़े हो जाएंगे, है ना, तो क्या फ़ायदा। तो जब हम प्रभु के हजूरी में होते हैं, उसका प्रकाश हम पे चमकता, हमें रोशनी मिलती है, हमें संसार में चलने की ताकत मिलती है। हालेलुया। तो आइए सब अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हैं हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, महान परमेश्वर पिता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और हम सबको क्षमा करने वाले प्रभु, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज के इस दस समय के लिए प्रभु जी, इस वक्त के लिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु जी बहुत से लोग हैं खुदा इस दुनिया छोड़ के चले गए परमेश्वर पिता, पर हम सबको जिंदा रखा और खुदा परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, हमें विश्वास ही जान के प्रभु जी अपने कलीसिया में बुलाया और हमें काम दिया कि आपके राज को आगे बढ़ा सके परमेश्वर पिता। और ये छोटी से झुंड प्रभु जी, इन पे विश्वास करके खुदा ने इन्हें काम दिया कि आज हर रोज शाम को बैठते हैं प्रभु आपकी संगति में, खुदा अपने जीवन को व्यतीत करते प्रभु जी, इन्हें बहुत ऐसे आशीष और बरकत देकर आगे बढ़ाए परमेश्वर पिता। हर एक मुश्किल का दौर खुदा के सामने से हट जाएगा और खुदा परमेश्वर हर एक पहाड़ टल जाएगा प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा। हम आज खासकर दुआ मांगते परमेश्वर पास्टर सुरेश उनकी पत्नी के लिए, प्रभु जी ने आज जोड़ा है परमेश्वर का, जो खास दिन है खुदा परमेश्वर, जो हर एक जोड़े को आप खुदा जोड़ते हैं और ये बहुत ऐसे आशीष और बरकत देते हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। संसार में बहुत से खुदा परमेश्वर के संकट आए, बहुत से परेशानियां आए, बहुत से खुदा परमेश्वर ऐसे कांटे बिछाए गए, उन सब में खुदा परमेश्वर ने आगे बढ़ाया परमेश्वर पिता, मृत्यु में से निकाल के जीवन में खड़ा किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सभी लोग अन्य जातियों में से सभी आपने बुलाया है प्रभु जी, सबको चुन के निकाला परमेश्वर पिता, अपने बेटी बेटी बेटियां बनाया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा अपने सार में लिए चले प्रभु यीशु, आपके लहू से मैं कबर करता हूं खुदा परमेश्वर, कि संसार के अंधकार के शक्तियां के जिस्म से इनके जान से दूर रहने पाए परमेश्वर पिता। ये खुदा परमेश्वर दोनों खुदा परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके मोहब्बत में और आपके धधकती हुई आग में आगे बढ़ते जाए खुदा परमेश्वर पिता। खुदा परमेश्वर इस कलीसिया को और आगे बढ़ा सके, इनके प्रार्थनाओं के द्वारा, इनके सुसमाचार के द्वारा खुदा बहता इसे आत्मा बचाई जाए सके परमेश्वर पिता। इस मोहल्ले में सौदा के लिए ये भवन खड़ा रहे खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु जी जितने जुड़े हैं खुदा परमेश्वर के साथ इस कलीसिया में, ये सब आशीषित हो खुदा, आपके पवित्र आत्मा के वरदान से भर जाए खुदा परमेश्वर, कोई भविष्यवाणी करने लग जाए, कोई चंगाई देने लग जाए, कोई उपदेशक बन जाए खुदा परमेश्वर, कोई खुदा परमेश्वर आपके रूह में आपके आत्मा में परमेश्वर पिता दर्शनों को देखने वाले बन जाए, आने गुप्त आने वाली बातों को गुप्त बातों को बताने लग जाए खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु जी अपने वरदानों से भर दीजिए, क्योंकि संसार के जितने भी वरदान है बेकार है, पर स्वर्ग वरदान प्रभु जी हमें जीवन देता है, हमें आगे बढ़ाता है खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु आपका शुक्र है, आपका धन्यवाद है खुदा परमेश्वर, किसी के किसी दिल में कोई नाराजगी ना आने पाए, कोई खुदा परमेश्वर कोई दुष्ट खुदा परमेश्वर काम ना करे, कोई कड़वी जड़ ना फूटे, सब खुदा यीशु मसीह के नाम से नाश होने पाए प्रभु जी, और इनकी जिंदगी और बरकत और खुदा खुशहाली आते रहे खुदा परमेश्वर खुदा, और इनका खुदा परमेश्वर गोद भी खुदा भरने जा रहे, उसके लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर खुदा। वो खुदा परमेश्वर हरा भरा रहे परमेश्वर खुदा, प्रभु आप में आशीषित हो, आगे बढ़े खुदा परमेश्वर खुदा, और खुदा उनके द्वारा खुदा उस बच्चे के द्वारा प्रभु जी, वो खुदा उसके नाना नानी भी प्रभु जी आपका हजूरी में आने पाए परमेश्वर खुदा, आपके घर में बन जाए परमेश्वर खुदा, आपके घर में खुदा एक छोटे से पौधे से रोप के आगे बढ़ते जाए खुदा परमेश्वर खुदा। प्रभु आपका धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, आपकी महिमा हो खुदा परमेश्वर, आपका जलाल हो खुदा परमेश्वर पिता। यहाँ पे जितने दुखी मन से खुदा वो बहन के लिए मांगते परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्मा ने उसको बहुत तंग किया, प्रभु यीशु ने
मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, खुदा परमेश्वर जिंदगी से निकल जाए। बहुत से ऐसे बहन जिनके पति नहीं आते, उनके जिंदगी में खार करे, उनको दर्शन आज रात मिले, प्रभु आप उन्हें पुकार रहे अपने छेदों में हाथ दिखा के कि देख मैंने तेरे लिए कैसे मैंने अपने खुदा ठुकवाई है, देख मैंने अपने सिर पकड़े तेरे ताज ठुकवाए जो तेरे सिर और तेरे दिमाग में गंदी आदतें गंदी सोच आ रहे नष्ट होने पाए परमेश्वर का। Holy Spirit, thank you Jesus, प्रभु हम सब कुछ छूने के लिए, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन से बातचीत करें प्रभु जी, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, अपने बेटे बेटी समझ के माफ कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं मिट्टी हैं, हम मिट्टी के बने हैं, हमारी फितरती मिट्टी के प्रभु जी, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे हम प्रभु जी, परंतु आपका नाम सदा बना रहेगा परमेश्वरता। जो आपको पुकारते हैं, जो आपके पीछे चलते हैं, वो कभी लज्जित नहीं हो सकते प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर पिता, जिन्होंने आपके ऊपर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु आपका शुक्र है, आपका धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर। दोनों खुदा परमेश्वर आशीषित हो, आपके नाम से फले फूले आगे बढ़ते जाए खुदा, इनके कली इनके नौकरी चाकरी में आपका ब्लेसिंग आने पाए, आशीषित रहे प्रभु जी, कभी किसी से कमी घटी ना हो, इन्हें कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े हो, सर की आशीष सर्वदा खुले रहे प्रभु। हमारी प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट थैंक यू जीसस, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम मांग लेते हैं। आगे सब बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की, प्रभु यीशु मसीह के लहू की। थैंक यू जीसस।